मारुति सुजुकी इंडिया ने ग्रामीण बाजार में 50 लाख वाहन बेचने का आंकड़ा पार करने का ऐलान कर दिया है। ग्रामीण इलाकों में 1700 से ज्यादा आउटलेट्स के जरिए वित्त वर्ष 2020 से 2021 में कंपनी की कुल बिक्री का लगभग 41% टीयर 2 और टीयर 3 बाजारों से आया था। एक दशक से कुछ समय पहले तक कंपनी की कुल बिक्री में ग्रामीण इलाकों का योगदान 10% होता था। शहरी बाजार में 2008 की वैश्विक मंदी के चलते बिक्री बुरी तरह प्रभावित हुई थी, जिसके बाद कंपनी ने ग्रामीण इलाकों के लिए अपनी नीति में बदलाव किया था और इन क्षेत्रों में बिक्री बढ़ाने की कई कदम उठाए थे। भारत के ग्रामीण इलाकों में मारुति सुजुकी का नेटवर्क सबसे व्यापक नेटवर्क में शामिल है। वाहन निर्माता के करीब 4000 सर्विस टच पॉइंट और ग्रामीण ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए खास तौर पर प्रशिक्षित कर्मचारी मौजूद है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने नासिक प्लांट में बनाए गए करीब 600 डीजल वाहनों को वापस बुलाया है, जिसकी वजह इंजन में दूषित ईंधन के इस्तेमाल से पुर्जों के ज्यादा घिसने का खतरा है। भारतीय वाहन निर्माता ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में फाइलिंग के दौरान भी इसी बात को उजागर किया है, जहां कंपनी ने कहा है कि अमुक तारीख को फैक्ट्री में दूषित ईंधन पहुंचाया गया, जिसे चुनिंदा जत्थे में भरा गया। यही वजह है कि डीजल इंजन के कुछ पुर्जों में ज्यादा घिसाव की संभावना है। सभी प्रभावित वाहनों का उत्पादन 21 जून से 2 जुलाई 2021 के बीच किया गया है। हालांकि कंपनी ने रिकॉल के दायरे में आने वाले डीजल वाहनों की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। महिंद्रा ने कहा है कि वाहन की जांच और खराबी को दूर करने का काम मुफ्त में किया जाएगा और कंपनी प्रभावित वाहन के मालिकों से निजी तौर पर संपर्क करेगी। कंपनी महाराष्ट्र स्थित अपने नासिक प्लांट में थार, स्कॉर्पियो, बोलेरो, मराजो और XUV 300 का उत्पादन करती है। ऑटोमोबाइली लेम्बोर्गिनी ने दमदार एसयूवी उरुस की 15,000 यूनिट उत्पादन का आंकड़ा पार कर लिया है। इस संख्या को पार करने के साथ ही उरुस इटालियन निर्माता कंपनी के इतिहास में सबसे ज्यादा बनाई जाने वाली कार बन गई है। दुनिया भर में उरुस की बिक्री शुरू करने के महज 3 साल में कंपनी के उत्पादन का ये मुकाम हासिल कर लिया है। 15,000वीं लेम्बोर्गिनी उरुस ब्रिटिश बाजार के लिए बनाई गई है, जो ग्रेफाइट कैप्सूल कलर में आई है। लेम्बोर्गिनी की कुल बिक्री में उरुस का योगदान काफी बड़ा है। एसयूवी के साथ 4 लीटर ट्विन सिलेंडर V8 इंजन दिया गया है, जो 641 bhp ताकत और 850 nm पीक टॉर्क बनाता है। सिर्फ 3.6 सेकंड में एसयूवी 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार पकड़ लेती है। वहीं 0 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार पर पहुंचने में इसे 12.8 सेकंड लगते हैं। कार की अधिकतम रफ्तार 306 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इसी तरह कारण बाइक परिवार को हमारी तरफ से ईद मुबारक। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।